व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका एमएच एमएच मींस मिनाहिल हफीज। तो आज जो है वो हमारी एमएच टेक्स नॉर्थ की नेक्स्ट एपिसोड है, और आज जो है वो हमारा स्कर्दू में 3 डेज का स्टे ओवर हो चुका है। तो आज हम लोगों ने निकलना है हुंजा के लिए, लेकिन उससे पहले जो है वो हमारे आज जो है वो हमने स्कर्दू में मिसिंग स्पॉट्स पे जाना है, जो हमने मिस कर दिए जगह। तो आज जो है वो हम लोग जा रहे हैं पहले नाश्ता करने। अभी टाइम जो है वो हो रहा है 8 बजने वाले हैं, 7:30 हो गए हम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, और नाश्ता करने के बाद जो है वो हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे स्कर्दू में है अपर कचूरा, उसको डिस्कवर करने जाएंगे। वहाँ पे मतलब बोटिंग वगैरह हाइकिंग है, तो उधर चलेंगे हम। और हाइकिंग कितनी देर की है ये तो हमें जाके ही पता चलेगा। तो चलते हैं, क्योंकि इस स्पॉट से होके फिर हमने हुंजा के लिए निकलना है, और आज की ट्रैवलिंग हमारी बहुत लंबी है। आई गेस कि आज कोई स्टॉप भी नहीं है हमारा बीच में, वरना अक्सर बीच में स्टॉप्स आते रहते हैं। आज कोई स्टॉप भी शायद नहीं है, हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन एज आई नो कि नहीं है। और कल जो है वो हमें बहुत मज़ा आया था, लेकिन कल का सफ़र भी बहुत टायरिंग था, क्योंकि ड्राइविंग काफ़ी ऑफ रोड थी और हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। लेकिन ओवरऑल व्यू कल का बहुत खूबसूरत था और हमें बहुत मज़ा भी आया। तो आई गेस कि आज की ट्रैवलिंग भी, एंड आई होप कि आज की ट्रैवलिंग भी वर्थ इट होगी। तो अभी जो है वो चलते हैं नाश्ता करने, और फिर जो है वो निकलते हैं अपने फर्स्ट स्टॉप के लिए। सो आर यू रेडी, लेट्स गो। जाएंगे हुंजा की तरफ डायरेक्ट, और राकापोशी व्यू पॉइंट भी हमारा स्टे होगा 1 घंटे का, और उसके बाद हम डायरेक्ट हुंजा जाएंगे। वहाँ से जो है हम करीमाबाद बाजार विजिट करेंगे, अगर टाइम ख़त्म हो गया हुआ फोर्ट का। अगर टाइम हुआ फोर्ट का तो फिर जो है हम फोर्ट करके फिर जो है वो करीमाबाद बाजार जाएंगे। यहाँ से अपर कचौरा की ड्राइव जो है वो तकरीबन 40 मिनट्स की है, और अपर कचौरा से जो राकापोशी व्यू की ड्राइव है वो तकरीबन 4.5 घंटे की है। उसके बाद जो हुंजा है राकापोशी व्यू पॉइंट की ड्राइव जो है, जहाँ जो हमारी आज की डेस्टिनेशन है, वो तकरीबन 45 मिनट्स की। ठीक है, तो ये जो कुछ भी था जो आपने भी सुना, वो हमारे टूर गाइड का आज का प्लान था, जहाँ जहाँ पे वो आज हमें लेके जा रहे हैं। यह है वो ये हमारे सारे आज के स्टॉप्स हैं। तो अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले स्कर्दू के एक बहुत ही मेन पॉइंट पे, जिसको अपर कचूरा कहा जाता है। एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रैवलिंग इन स्कर्दू इज़ द व्यू। हम लोग अब तक इतनी सारी पॉइंट्स पे हो गए हैं, लेकिन सराउंडिंग जो है वो स्कर्दू की बहुत ही खूबसूरत है, फुल ऑफ ग्रीनरी है। वरना अब तक जो है वो पीछे काफ़ी ड्राई एंड बोरिंग पहाड़ थे, तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी ग्रीनरी है, तो ये काफ़ी जो है वो सूदिंग भी है और मज़ा भी आ रहा है इस ट्रैवलिंग का। तो अपर कचूरा में हम लोग आ चुके हैं, 40 मिनट्स की ड्राइव की हमने, और हम अपनी फर्स्ट स्टॉप पे आ चुके हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से हाइकिंग है, 20 मिनट्स की है शायद, सुना था हमने। तो अभी हम हाइकिंग पे चलते हैं, और नीचे बोट्स वगैरह भी हैं, लेक भी है, तो वहाँ जाके मैं आपको उसका एक ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। उसके अलावा इसके बाद जो है हम आगे निकलेंगे हुंजा को, और वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो फिलहाल हम इस प्लेस को कवर करते हैं। सो आवर हाइक हैज़ बिगन। तो यहाँ पे हम लोग सारे जो है वो निकल आए हैं अपने हाइक के लिए, एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा आई गेस 20 to 30 मिनट्स की हाइक है, लेकिन सुनने में यही है कि यहाँ पे नीचे उतरना बहुत आसान है और ऊपर आना जो है वो काफ़ी टफ है। और आज जो है वो मौसम भी बस ठीक है, मतलब बहुत गर्मी भी नहीं है और बहुत ठंड भी नहीं है, लेकिन जितना हमें स्कर्दू में आज तक प्लेजेंट वेदर मिलता रहा है, आज उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था। तो यह बोर्ड पर साइड पर देख सकते हैं अपर कचूरा लेक, तो ये यहाँ पर चलते हैं हम। और इसके अलावा यू नो के इन नॉर्दर्न एरियाज़ की कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और स्पेशल चीज़ें होती हैं, जैसे कि इनका ड्राई फ्रूट। तो हर जगह जो है वो हमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट के स्टॉल्स और इनके स्पेशल जो हैं वो इनकी स्पेशलिटीज़ मिल रही थी। और इस तरह से जो है वो आप देख लें कि बीच भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो है वो ट्रेडिशनल डेकोरेशन का टच डाला हुआ है, जिसको देख के बहुत ही जो है वो
अच्छा फील होता है. इट्स वेरी नाइस टू सी सच ब्यूटीफुल डेकोरेशन पीसेस, और इससे आपकी हाइक जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है. और स्ट्रेट अप जो है वो हाइक नहीं है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है जिसको हमने फॉलो करना है. और बीच में जो है वो काफ़ी सारे स्टॉप पॉइंट्स भी आते हैं कि आप साइड पे मेरे देख सकते हैं, ये बिल्कुल नीचे करके इस तरह के छोटे छोटे कैफेज चाय वगैरह के लिए आते हैं. तो बिल्कुल आपकी एक बोरिंग स्ट्रेट अप हाइक नहीं है. सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर फर्स्ट स्टॉप विच इज़ अपर कचूरा लेक. ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे सामने, इतनी खूबसूरत ये लेक है. और ये आप देख लें बोट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे. तो अभी जो है वो हम लोग बहुत ही थक के आए हैं, थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे रेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि बोटिंग का क्या सिस्टम है. तो हमने जो है वो बोटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन ली है और उन्होंने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे के कहा है कि कौन सी बोट हमारे लिए बेस्ट है. रिकमेंडेशन हमने यहाँ के लोकल से ली है. तो अभी जो है वो हम इस बोट में जा रहे हैं. आई एम नॉट श्योर कि इसका नाम क्या होता है, लेकिन यहाँ के लोकल जो वर्कर्स हैं उनके हिसाब से ये सबसे फास्ट बोट है यहाँ की. तो यहाँ पे हम लोग जो है वो फुल एक्साइटेड थे यहाँ पे सारे. तो फाइनली जो है हम लोग बोट्स पे से उतर आए हैं. बोटिंग हमारी ओवर हो गई है. अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम था तो हमने सोचा थोड़ा सा ओवरव्यू लेके आते हैं जगह का. तो हम खुद से जो है वो थोड़ा आगे तक आए थे और हमें ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक पॉइंट मिला है जहाँ पे हमने सोचा थोड़ी सी फ़ोटोज़ लेते हैं और थोड़ी सी रेस्ट भी करते हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी जो है वो यहाँ पर अच्छा व्यू आ रहा था पूरे लेक का. और इसके अलावा यहाँ पर फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी हो रही थी, लाइटिंग बहुत अच्छी थी. तो हाइकिंग करके जो है वो हम आ गए हैं. बहुत ही ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ है. नीचे जाना बहुत आसान था, ऊपर आना बहुत मुश्किल था. और ये हमने रस्ते से आइसक्रीम भी ली है. तो अब जो है वो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जो कि है रागापोशी हुंजा. और उसके लिए हमें 4 आवर्स की डायरेक्ट जो है वो कॉन्स्टेंट ड्राइविंग करनी पड़ेगी. तो वहाँ वेदर हमें कैसा मिलता है इसका कोई पता नहीं. हमें अब आज तक जो भी वेदर बताया गया उसके बिल्कुल अपोजिट मिला है, तो इसलिए अभी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है. तो चलते हैं फिर अभी. तो ये देख लें आप, हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो फुली रेडी हैं जाने के लिए. सो वी आर रेडी टू लीव एंड नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्टॉप. सो फाइनली आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग ड्राइव वी हैव रीच्ड आवर नेक्स्ट स्टॉप विच इज़ रागापोशी व्यू पॉइंट. और यहाँ पे ये आपने अभी जो मैंने आपको माउंटेन दिखाई थी, बेसिकली ये है रागापोशी जिसको व्यू करने के लिए हम यहाँ पे उतरे हैं. इसके अलावा काफ़ी जो है वो हमारी लंबी ड्राइव थी, ऑलमोस्ट 5 to 6 hours की जो है वो ड्राइव थी. तो उसके बाद एक व्यू पॉइंट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो है वो बिल्कुल टायरिंग सफ़र होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है. तो बिल्कुल एंड हो जाती है हमारी. इस तरह से जो है वो छोटे छोटे व्यू पॉइंट्स पे रुक के स्टॉप्स लेके बंदा रिफ़्रेश हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट होती है आगे जाने की. तो इस तरह से यहाँ पर हम रुके थे, आई थिंक हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 to 2 hours का स्टे है. और इसके साथ ये देख लें आप, पूरा जो है वो रेस्टोरेंट भी है, होटल्स वगैरह भी हैं यहाँ पे. अच्छी जो है वो छोटी छोटी जो है वो एंटरटेनिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे. ये देख लें आप, कलरफुल सी जगह है, कैफ़े रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं. इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल जो है वो नॉर्दर्न कपड़े वगैरह भी यहाँ से मिल सकते हैं. सुवेनियर्स लेने हों वो भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं. और इधर जो है वो आके फाइनली वेदर अच्छा हो गया था. अच्छी जो है वो यहाँ पर ठंडी हवाएँ चल रही थी. और ये जो भी आप यहाँ पे रिवर देख रहे हैं,
ये बेसिकली ऊपर से ग्लेशियर्स मेल्ट हो के आ रहे हैं, तो ये जो फुल रिवर है ना ये ग्लेशियर्स से बन रहा है जो ऊपर माउंटेन से मेल्ट होके इधर आ रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे मिली थी तो मैं सोचा आपसे शेयर कर लें। आप इसको यहाँ पे रोक के रीड कर सकते हैं, पढ़ लें इसको। लेकिन एक बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट इस माउंटेन का ये है कि ये वर्ल्ड की पहली माउंटेन है जो आपको इतने से डिस्टेंस में इतनी क्लियर नज़र आती है, वरना यूजुअली जो है वो माउंटेन्स की पीक्स जो हैं वो इतनी क्लियरली नहीं नज़र आती इतने छोटे डिस्टेंस से। यू हैव टू रियली गो सुपर क्लोज टू द माउंटेन्स टू सी दिस क्लोज। लेकिन हम लोग जो है वो काफ़ी जो है वो माउंटेन के करीब हैं और हमें ये नज़र आ रही है, वरना K2 वगैरह पे हम नहीं जा सकते इतनी ईजीली। तो ये वर्ल्ड की जो है वो पहली माउंटेन है जिसको आप इतना क्लियरली देख सकते हैं। तो इसके पास ही जो है वो बिल्कुल करके एक सुवेनियर शॉप थी जहाँ पे ट्रेडिशनल एंड कल्चरल चीज़ें मिल रही थी, और हमने सोचा ज़रा देख के आते हैं इनके पास क्या क्या है और क्या क्या प्राइसेस इनकी। हालाँकि यहाँ पर मौसम अच्छा है लेकिन पीछे काफ़ी गर्मी थी और कपड़े जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर विंटर्स के ही हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कितनी खूबसूरत जो है वो एंटीक ज्वेलरी भी है ट्रेडिशनल सी। तो अब जो है वो फाइनली 5 घंटे की इतनी बोरिंग और सड़ी हुई ड्राइविंग के बाद हम लोग पहुँच गए हैं जी यहाँ पे। ये है राकापोशी व्यू पॉइंट और बहुत ही बोरिंग ड्राइव थी 5 घंटे की, इतनी गर्म ड्राइव, बहुत ही शदीद गर्मी थी। और फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा है, अच्छी हवा चल रही है, ठंडक नहीं है बिल्कुल भी लेकिन हवा अच्छी है। और उसके अलावा यहाँ पे हमारा 1 घंटे का स्टे है और अभी मैं आपको इसका पूरा व्यू भी दिखाती हूँ, लेकिन 1 घंटे का हमारा यहाँ पे स्टे है। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग कुछ खाने पीने का करते हैं, क्योंकि हमने सुबह से सिर्फ नाश्ता किया हुआ है। तो अभी देखते हैं खाने पीने को क्या है। और ये जगह काफ़ी खूबसूरत भी है, इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने का, कपड़ों का भी काफ़ी काम है। या मेरे पीछे देख सकते हैं कपड़ों के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे क्राउड भी है। तो मैं आपको पहले पूरा व्यू कराती हूँ। सो आई होप कि आपने आज की वीडियो को जो है वो इन्जॉय किया होगा और आज का जो हमारा सारा ट्रिप था वो आपने भी इन्जॉय किया। एंड आई होप यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सो एनी वेज दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू इन्जॉयड इट। इफ़ यू डिड देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।